गुड मॉर्निंग बच्चों। आई विश आप सभी घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल बच्चों लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भी हम अपना मेन एम रखते हैं कि हम फिट रहें, हमारे फिटनेस जो है वो खराब ना हो। इसलिए अब हम ऐसा सेशंस लेके स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि हम घर पे रह के एक अच्छा फिटनेस सेशन अटेंड कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली इसी पर्पज से की गई है कि अब हम आपको वो सब मेथड, वो सब एक्सरसाइज बता सके जिनसे आप अपने एक रूम के अंदर रह के भी अपना फिटनेस मेंटेन कर सके, अपना वर्कआउट शेड्यूल बना सके। तो आज के तो हमारा सबसे पहला सेशन है जो हम लेने जा रहे हैं, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं देन एक चांस होता है कि हमारे मसल्स में टियर आ जाए, मसल में क्रैम्प हो जाए। इसलिए कोई भी चीज रिलैक्स मोशन में है उसको स्टार्ट करने के लिए पहले हल्का सा रेस देनी पड़ती है, जो बोलते हैं रेस हल्की देनी पड़ती है, फिर एक अच्छे मोमेंटम में आना चाहिए। तो इसीलिए हमारी बॉडी को एक स्टार्ट देने के लिए, हल्का स्टार्ट देने के लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, ताकि अब हम रनिंग करें तो हमें कोई पैर ट्विस्ट होने का ऐसा कोई इश्यू ना रहे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा रन स्ट्रेचिंग से स्टार्ट। स्ट्रेचिंग में हम चार पांच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। जो स्ट्रेचिंग है बेसिकली दो वेज में होती है, टो टू हेड या हेड टू टो। दो मेथड हम किसी भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टो टू हेड। तो सर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो एंकल है उसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग तो रोटेशन होगी, कैसे होगी सर? हमारा जो एंकल है वो पूरा रोटेट करेगा, फुल सर्कल रोटेशन होगी उसमें। सेम उसको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में उसको ट्विस्ट करेंगे। सेम विद अदर लेग, लेग चेंज करेंगे, सेम एंटी क्लॉकवाइज, देन एक्सरसाइज चेंज करेंगे, हमारे टो को अप एंड डाउन करेंगे। ये सर आपको फ्रंट भी दे रहे हैं, मैं आपको साइड भी दे रहा हूं, अप एंड डाउन। बस याद जो मेन फोकस रखना है कि जो हमारा नी है, नी बेंट नहीं होना चाहिए, ना पिछले पैर का ना अगले पैर का, दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे। हल्का सा हम अपने पैर को आगे रख लेंगे और टो को अप डाउन करेंगे। सेम विद अनदर लेग अप एंड डाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, टो को अप करके हम टच करेंगे हमारे हिप को। जितना बैंड हमारा जो नी है वो बैंड नहीं होगा, बैक पर ज्यादा नहीं आना चाहिए, नीचे जाएंगे जितना पॉसिबल है। अगर बच्चे स्टार्टिंग में जो नहीं कर पाते वो जस्ट इतना भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम है कि हमें बिल्कुल हमारे हिप को टच करना है। जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। सेम एक्सरसाइज लेग चेंज करके डाउन। ये हमारे मेनली है हैमस्ट्रिंग के लिए, हैमस्ट्रिंग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। उसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो परफॉर्म करेंगे वो हमारा हाफ स्ट्रेच। हाफ स्ट्रेच में आप पिछला पैर आपका अभी बेंड नहीं होगा, अगला पैर का जो 90 डिग्री के एंगल पे बनाएगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगी, हम आगे बेंड नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे। अब फुल स्ट्रेच में हम पूरा स्ट्रेच कर देंगे, पूरा बेंड कर देंगे, लेग्स को फुल स्ट्रेच कर देंगे। सेम अभी भी जो हमारा अगला पैर है वो 90 डिग्री पे ही है, हमारी बैक अभी भी स्ट्रेट ही रहेगी। हम इसको ये कर देंगे या ऐसा वगैरह इस मोमेंट में नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, और लेग हमारा 90 डिग्री, पिछला पैर बिल्कुल सीधा खींचा हुआ, इसको ये ऐसे नहीं रखना, अभी बिल्कुल स्ट्रेच। सेम हम करेंगे हमारे दूसरी लेग के साथ, हाफ स्ट्रेच देन फुल स्ट्रेच, पिछले पैर को पीछे पूरा स्ट्रेच कर देंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी एंड लेग को जो है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे फॉर्म होगा। इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है जो हमारे ग्लूट्स मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने पैर को लिफ्ट करेंगे एयर में और यहां पे होल्ड करेंगे, बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है, गिरना नहीं है। इसी को अब नीचे ना रखते हुए साथ में लेके जाएंगे बिल्कुल बैक साइड। अब चेंज कर लेंगे, लेग चेंज कर लेंगे, चेंज दोनों हाथों से अपने टो को पकड़ लेंगे, जितना इसको खींच सकते हैं उतना खींचे, लेग से पीछे नहीं लेके जाना इसको, आगे रखना बिल्कुल हाथ के साथ में, दूसरे लेग के साथ में बिल्कुल जो हमारा टो है इसको खींचेंगे अंदर की तरफ। इसके बाद हम आएंगे अपना अगले एक्सरसाइज के लिए, अगली स्ट्रेचिंग के लिए जो हमारी बैक के लिए है। इसमें हम हाफ रोटेशन करेंगे, फुल रोटेशन जो है बेटा भी वो फिलहाल बैन है,
तो इसमें सिर्फ हम हाफ रोटेशन करेंगे, हाफ पहले करेंगे फ्रंट वे, हाफ हाफ रोटेशन, उसके बाद चेंज बैक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग होगी उसमें हम अपने बैक को स्ट्रेच करेंगे। अब बैक पे फोकस आएगा, इसमें साइडवेज मूवमेंट, जितना आप पॉसिबल उतना जाएंगे साइडवेज। एक चीज का आप जो ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज में वो ये है कि जब आप साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके जो लेग्स है, जो ये आपका हिप एरिया है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जहां स्टेबल है इसी पोजिशन में जितना मैक्सिमम पॉसिबल इतना है इतना कीजिए। बच्चे स्टार्टिंग में इतना कर पाते इतना कीजिए, जो ज्यादा 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 जाएंगे, लेकिन हिप्स को ऐसे बाहर नहीं निकालना वहां पे। ये पोजीशन आपकी बिल्कुल यही सेम रहेगी, सेम अनदर साइड एंड चेंज। इसको 10 टाइम्स ईच साइड करेंगे स्ट्रेचिंग को। इस स्ट्रेचिंग के बाद हम जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है वो होगी हमारी शोल्डर के लिए। इसको हम होल्ड करेंगे और अपने दूसरे हाथ से इसको थोड़ा अंदर तरफ पुश करेंगे। चेंज, अब इस एक्सरसाइज में हम पीछे हाथ ले गए हैं, इस हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेंगे। सेम विद अनदर हैंड, चेंज, वही मूवमेंट, हाथ को अंदर तरफ पुश करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है जो है वो है हमारी रोटेशन, आर्म रोटेशन, जो शोल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हल्के हल्के स्पीड में स्टार्ट करेंगे। सर आपको एंटी क्लॉकवाइज करके दिखा रहे हैं, क्लॉकवाइज दोनों ही परफॉर्म करनी है ये, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सेम विद अनदर हैंड एंड चेंज, अब इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज ही परफॉर्म करेंगे सेम हैंड को। ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो हमारा वो भी नेक, नेक के लिए अब हम स्ट्रेचिंग कर रख लीजिए आराम से। उसके बाद आपकी जो नेक है उसको अप एंड डाउन करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, 5 times अप डाउन करना है एंड देन राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इसको ही 5 times परफॉर्म करना है। उसके बाद आप अपने नेक को लेफ्ट ले जाके हाथ से हल्का सा नीचे की तरफ पुश भी कर सकते हैं। सेम राइट साइड किया था आप इसको, लेफ्ट साइड में सेम। तो ये हमारी होती है स्ट्रेचिंग कंप्लीट। स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होता है रनिंग। लेकिन अभी लॉकडाउन है, ज्यादा बाहर जाना अलाउड नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। आप घर पे रह के भी एक अच्छा फिटनेस सेशन अटेंड कर सकते हैं, कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है कि हमें बाहर ग्राउंड में नहीं जा रहे तो वहां हमारी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप घर पे रह कर सकते हैं। इसके लिए एक मेथड है जिसे बोलते हैं स्टैंडिंग रनिंग, जिसमें हम खड़े खड़े रनिंग करते हैं। उसके लिए आपको बताते हैं कैसे स्टैंडिंग रनिंग होगी। सर आपको फ्रंट व्यू दे रहे हैं, मैं आपको साइड व्यू दे रहा हूं। अब साइड आप खड़े खड़े रनिंग करेंगे, आपकी लेग्स कंप्लीट ऊपर आएंगी। ऐसा नहीं कि आप ये लेजी मूवमेंट, ऐसा कोई लेजी मूवमेंट नहीं होगा। जैसे रनिंग करते हैं उसी रनिंग वे में हाथ पूरे आगे चलेंगे, लेफ्ट राइट होगा, पैर भी लेफ्ट राइट होंगे स्टैंडिंग मूवमेंट में। अब इस एक्सरसाइज को हमें 15 टू 20 मिनट्स कंटिन्यू परफॉर्म करना है। आप 20 मिनट से कंटिन्यू इसी मूवमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं 20 मिनट के लिए। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज आपकी रनिंग फिनिश होती है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा हमारा पुशअप्स का। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पोजीशन, पुशअप की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए सर? सबसे पहले जो आपके हाथ हैं, जो आपके हैंड्स हैं, वो बिल्कुल शोल्डर की विड्थ में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा खोले हुए हैं, बहुत कम खोले हुए हैं, शोल्डर के बिल्कुल विड्थ में होंगे। आपकी बैक स्ट्रेट होगी, लेग्स भी आपके शोल्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग ही खुले होंगे, और आपका जो फेस है वो सामने की तरफ फेस करेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे देख के पुशअप लगा रहे हैं, आप सामने देखेंगे पुशअप लगाने के लिए, फिर डाउन नीचे गए, सामने देख रहे हैं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। यही पुशअप आपको 3 sets परफॉर्म करने हैं, जिसमें आपको हर एक सेट में 15 से 20 पुशअप लगाने हैं, मिनिमम 20,
मैक्सिमम एज यू कैन गो, मिनिमम 15 तो परफॉर्म करने ही करने हैं, जिसके हमें तीन सेट लगाने हैं, तीन सेट्स में 15 आप करेंगे तो आपके मिनिमम 45 पुशअप्स आपके हो जाएंगे। पुशअप के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो हमारी स्क्वैट्स। स्क्वैट्स इंपोर्टेंट है हमारी थाइस मसल के लिए, थाई में क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग सभी मसल इंक्लूड है, इंक्लूडिंग आपके ग्लूट्स, तीनों मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। स्क्वैट्स लगाने के लिए सबसे पहले फ्रंट विजन एंड साइड व्यू, सबसे फ्रंट ठीक है, सबसे पहले हम आप जो आपके लेग्स हैं, जो आपके लेग्स की विड्थ है वो आपके शोल्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग, इतने ये ज्यादा भी नहीं खोलने हैं और बिल्कुल कम भी नहीं रखने हैं, आपकी जो शोल्डर की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अपने लेग्स आप खोल के खड़े हो जाए, जैसे सर अभी आपके सामने खड़े हुए हैं। शोल्डर की विड्थ के बाद जब जैसे डाउन जाना है तो डाउन जाते हुए याद रखना है, फोकस रखना है कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो लेग्स है, आपकी जो नी है, वो आपके टो को क्रॉस ना करे। टो क्रॉस मतलब ये जो मेरा टो है इसकी जो लाइन आएगी ऊपर उससे आगे ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, टो को मेरी नी क्रॉस कर चुकी है, हमें इस चीज को अवॉइड करना है, इससे हमारी नी में इंजरी के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा फोकस क्या रहेगा, हम बैठे पीछे की तरफ स्क्वायर लगाते हैं, ये स्क्वायर पोजीशन है, मेरे जो नी है वो मेरे टो को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नीचे गए एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, एंड मेन आप याद रखिएगा आपका जो बैक है वो बैक को स्ट्रेट होना चाहिए, बैक ये कर्व नहीं होना चाहिए नीचे गिर रहे हैं, यहां पे है बिल्कुल स्ट्रेट बैक कर्व जाती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड अप। तो आपको ये आपकी स्क्वैट्स लगाने की परफेक्ट पोजीशन, आपको ट्राई करना है कि आप इस पोजीशन में कॉपी करें, आप इसी पोजीशन में परफॉर्म करें आपके सभी स्क्वैट्स। स्क्वैट्स भी आपके सेम एज पुशअप 15 से 20, मिनिमम 15, मैक्सिमम एज यू कैन गो फॉर थ्री सेट्स, तीन सेट आपको परफॉर्म करने हैं स्क्वैट्स की। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, जो आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, वो है सिटअप। सिटअप्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी का वो आपका है स्टमक, पेट, हर किसी को इंटरेस्ट है एब्स बनाने का, तो उसके लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है सिटअप्स की। सिटअप्स के लिए आप ग्राउंड पे एकदम बैठ जाएंगे, यह आपकी सिटअप पोजीशन है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी लाइफ में एब्स का वर्कआउट नहीं किया या आपने कभी सिटअप्स नहीं किए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट तो आप अपने साथी को, आप तो ये है आपका साइड व्यू, आप इसको किसी ग्रिल में या कहीं भी आप स्पोर्ट ले सकते हैं, अगर ग्रिल वगैरह आपके पास नहीं है तो आप घर में किसी को बोल दीजिएगा, आपके लेग्स के ऊपर नहीं रहेगा आराम से जस्ट रिलैक्स। अब आप सिटअप लगा सकते हैं सर, परफॉर्म करेंगे सिटअप, आपके जो हाथ हैं वो सिर के पीछे होंगे सपोर्ट देने के लिए, डाउन जाएंगे फिर अप आएंगे, फिर डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप। अब सर की ये चीज नोटिस कीजिए, आपकी जो सर की बैक है वो स्ट्रेट जा रही है, वो बिल्कुल कर्व नहीं है ऊपर आते हुए। अब काफी बच्चे कैसे हैं कि वो परफॉर्म करते हुए एक्सरसाइज कई मिस्टेक कर देते हैं, अब जैसे अब आते हुए इस पोजिशन में आप आते हैं, अगर अब पाना है तो स्ट्रेट, जो आपकी बैक है उसमें बैंड नहीं होना चाहिए यहां से तो स्ट्रेट, इसी का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप सिटअप्स का आपका 15 to 20 और 3 सेट्स सेम एज अदर एक्सरसाइजेस, सिटअप्स करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज का वर्कआउट है वो होता है कंप्लीट। लेकिन एक जो मिस्टेक हर कोई करता है एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद, सीधा रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए भी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो मसल्स हैं वो इतनी टेंशन में थी एक्सरसाइज करते हुए वो एकदम से रिलैक्स होंगी तो अकड़न फील होती है उसके अंदर, फिर उसके लिए हमें क्या, हम योगा का सहारा ले सकते हैं, हमारे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं प्राणायाम है उसका सहारा ले सकते हैं ताकि जो हमारा हार्ट रेट है या हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाए जो हमारा नॉर्मल है उसमें, उसके लिए अब आज सिर्फ दो प्राणायाम की एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल प्लेन फ्रेश या कोई भी हो आप उसके ऊपर चादर बिछा लीजिएगा, आपका योगा मैट है तो बेस्ट है आप उसका यूज कीजिए। आपको क्या करना है, सुखासन में, इसको बोलते हैं सुखासन, बिल्कुल सुख में रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, सुखासन में आप आगे बैठ जाएंगे, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, आपकी नी के ऊपर रिलैक्स कर रहे होंगे आपके हाथ, उसके आपको जो दो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो कपालभाति और अनुलोम विलोम।
कपाल भाती के लिए आपको सबसे पहले लंबा सांस लेना है, उसके बाद उसको एकदम से छोड़ना है, फिर अगला सांस लेना है। जैसे ऐसे होगा, डेमोस्ट्रेट देख लीजिए। एक लंबा सांस, एकदम से छोड़ेंगे, फिर एकदम से सांस लेंगे, बहुत तेज मूवमेंट होगी, क्विक, एकदम से क्विक छोड़ना है, क्विक इनहेल करना है, क्विक एक्सहेल, क्विक इनहेल, ये मूवमेंट होगी आपकी कपाल भाती की। उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम, जिसके लिए आपको एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर उसी नाक से सांस लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। स्टार्ट आप करेंगे, हम लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे। पहले आपको जो थंब है वो आपको दूसरे, जो आपकी नोज है उसको रोकेगा, और जो आपका लेफ्ट है उसे आप इनहेल करेंगे। जो आपकी फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर और थर्ड फिंगर, हम आपको यूज कर सकते हैं इसको जो क्रॉस करने के लिए। इस जो हमारे एक साइड है उसको नोज से रोक लेंगे, थंब से रोक लेंगे, दूसरे को हम अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कैसे होगा। तो हम एक नाक से सांस ले रहे हैं, दूसरे छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे से ही ले रहे हैं, फिर पहले वाले से छोड़ रहे हैं। इस वे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। हमें मिनिमम 2 to 3 minutes दोनों एक्सरसाइज ईच करनी है, 2 मिनट कपाल भाती और 2 मिनट अनुलोम विलोम। सो आज का हमारा जो सेशन है वो इस एक्सरसाइज के साथ, रिलैक्स एक्सरसाइज के साथ फिनिश हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगे। किसी को किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है या समझ नहीं आ रहा कैसे परफॉर्म करना है, देन यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। आई होप आपको सभी एक्सरसाइज समझ आई होंगी, आपको कंप्लीट वर्कआउट का शेड्यूल समझ आया होगा। यह शेड्यूल आपका इस कंप्लीट वीक का है। आपको पूरे वीक में डेली सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना है, फिर आप जैसे फ्रेश होंगे उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग स्टार्ट करके रनिंग, देन एक्सरसाइजेस, देन आपका प्राणायाम, आपका यह शेड्यूल रहेगा पूरे वीक के लिए।